नमस्कार। कक्षा 9 अर्थशास्त्र का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय देखते हैं, जिसमें हम गरीबी के बारे में बात करेंगे। अब जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आर्थिक परिवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उस आर्थिक परिवेश को अच्छे बनाए रखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम भारत की का स्तर देखें विश्व भर में, तो एक तिहाई जो विश्व भर की गरीब जनता है, ऐसा माना जाता है कि वो भारत में निवास करती है। भारत में हर 11 में से एक बच्चा कार्यरत है। जब इतनी छोटी उम्र पर बालक कार्यरत है तो निश्चित तौर पे माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग जैसी कई सारी बीमारियां सामने आती हैं। तो जो माल न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, या स्वास्थ्य का जो सुविधाएं हैं उनका पैरामीटर भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है ये समझने के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व भर में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा गरीब जनता जो है वो भारत में निवास करती है। जो विश्व वेल्थ रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए थे, उसके अनुसार ऐसा माना गया है कि भारत में जो टॉप 1% जनता है उसके पास जो है 60% धन जमा है। तो आप समझ लीजिए कि जो 40% धन है वो 99% लोगों में विभाजित है। तो ये विभाजन निश्चित तौर पे बहुत ही अनइक्वल है, या हम कह सकते हैं जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब जब भी हम किसी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कोई एक निश्चित डेफिनेशन नहीं होती। हम अमेरिका में रह के ये कह सकते हैं कि जिसके पास गाड़ी है वो गरीब है। हम भारत में रह के ये कह सकते हैं जिसके पास गाड़ी है वो अमीर है। तो एक लग्जरी का आइटम माना गया है। पर ये जो चीज़ हम कह रहे हैं ये क्या है? ये रिलेटिव या सापेक्ष परिप्रेक्ष्य है। जब हम रिलेटिव आस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है और कोई चीज़ कितनी ख़राब है। दोनों ही चीज़ रिलेटिवली हम एनालाइज करते हैं, और रिलेटिव एनालिसिस जो है वो हम गरीबी का कर सकते हैं। तो गरीबी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। ये जो हमने कार का एग्जांपल दिया ये एक एग्जांपल है कि ये क्या हो गया, रिलेटिव एस्पेक्ट हो गया। जबकि एब्सोल्यूट टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम जनरल पर्पस बताते हैं कि ये वास्तविकता में गरीब है, इसको दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि कैलोरी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग प्रतिदिन 2400 कैलोरीज हम मानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज हम मानते हैं। ऐसा माना गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी इंटेक ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फिजिकल लेबर लोगों को करना पड़ता है। इसी तरीके से 2000 में जो मंथली इनकम थी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, उसमें भी फ़र्क माना गया है। तो प्रति माह लगभग 454 रुपया जो है वो आपका शहरी क्षेत्र में है और 328 रुपया आपका ग्रामीण क्षेत्र में माना गया है। ये सारे ही सर्वे जो है नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा करवाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रतिदिन अगर व्यक्ति को $1.25 से कम मिलता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। 1971 में भारत में डांडेकर और रथ ने कैलोरी के यूज़ पे गरीबी की डेफिनेशन दी थी। 2001 में एलकेरी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया था, जिसमें ये बताया था कि कितना व्यक्ति के पास धन जमा है या राशि जमा है और कितने साल वो शिक्षा पे स्पेंड कर सकता है, उन दोनों का जो समावेश है वो उसने समझाया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे इनकम लेवल और कंजम्पशन को भी समझने की कोशिश की गई थी। कई सारी जगह सोशल इंडिकेटर्स को समझा गया था। तो अलग अलग तरीके से ये माना गया कि हम गरीबी रेखा को निर्धारित करते हैं। गरीबी की रेखा को निर्धारित करने के विभिन्न विभिन्न बहुत सारे कारक हैं। तो अगर आप इस मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में नीला रंग देखा गया है वहाँ पर
जो प्रतिदिन की जनसंख्या है जो 1.25 डॉलर पर डे से कम है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो ऊपर के उत्तरी इलाके हैं आपके अमेरिका का, यूरोप का, वहाँ पर ये प्रतिशत बहुत ही कम देखा गया है। बहुत सारे इश्यूज़ आपके गरीबी से जुड़े हुए देखे गए हैं, जैसे लोगों के पास ज़मीन का ना होना, बेरोज़गारी की समस्या का होना, छोटे छोटे परिवारों की का होना, कई जगह असाक्षरता एक बहुत बड़ा परिवेश देखा गया है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बहुत ही ख़राब मानी गई हैं, माल नरिशमेंट एक बहुत मेजर कारण माना गया है, बहुत सारे क्षेत्रों में ये माना गया है कि बाल श्रमिक एक बहुत बड़ा पैरामीटर है गरीब होने का, और कई जगह लोगों को हेल्पलेसनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की तरह सामने आया है। तो अलग अलग एनालिसिस के द्वारा अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जो गरीबी है वो वल्नरेबल ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से दर्शाई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो आदिवासी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है इस समस्या के लिए, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। दूसरी तरफ अगर हम एवरेज भारत का गरीबी रेशो देखें तो वो 26 के आसपास है, जबकि अनुसूचित जनजाति में ये 51 है, तो लगभग उसका दुगना माना गया है। तो बहुत सारे कारक जो कि गरीबी को प्रभावित करते हैं वो आदमी की सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उसके सामाजिक परिवेश से, उसके आर्थिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बोला कि वल्नरेबिलिटी ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई गई है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आने वाले कई वर्षों तक समस्याएं बहुत सुधरेंगी नहीं या चीज़ें बहुत सुधरेंगी नहीं, जैसे लोगों के पास घरों की समस्या है, स्वच्छ पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, भुखमरी की समस्या है। तो महात्मा गांधी ने इसीलिए ये बात कही थी कि अगर भारत के गरीब से गरीब का उत्थान होगा तो ही देश आगे बढ़ सकता है। जब हम गरीबी के कारकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जो कई सालों से भारत में स्थापित था, कई सालों से भारत में चला आ रहा था, उसकी वजह से हमारी जड़ें जो हैं, हमारी नींव जो है वो कमज़ोर हो गई थी, और धीरे 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 जो किसान लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, जो लेबरर्स थे, वो इस जाल में फंसते गए। असाक्षरता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोन के तले, क्रेडिट के तले लोगों की समस्याएं बढ़ती गईं। देश में इनकम डिस्पैरिटी या इनकम इनइक्वालिटी या पैसे का अनइक्वल विभाजन जो है वो बढ़ता गया, जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, बेरोज़गारी की समस्याएं बढ़ती गईं। बहुत सारे क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि औद्योगिकरण की कमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा है, सामाजिक परिवेश जो है, सामाजिक फैक्टर्स भी एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। कई सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि नए नौकरियां या नई जॉब्स उत्पन्न नहीं हो रही हैं, अगर जॉब्स उत्पन्न नहीं होंगी तो आर्थिक गतिविधियां आगे नहीं बढ़ेंगी, और आर्थिक गतिविधियां अगर आगे नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर पर गरीबी की समस्या और बढ़ती जाएगी। तो जितने भी असेट्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, सामाजिक लेवल पे उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर ज़मीनी रिसोर्सेज जो हैं वो ढंग से इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी। अब जब हम बोलते हैं ये समस्या बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर ये एक विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल का मतलब होता है कि एक कारक दूसरे को बढ़ा रहा है और वो तीसरे को बढ़ावा दे रहा है, और अल्टीमेटली ये चक्र चलता रहेगा। मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति गरीब है, गरीब होने की वजह से वो अपनी शिक्षा नहीं ले पाया, शिक्षा नहीं ले पाने की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाया, नौकरी नहीं कर पाने की वजह से उसको वो और गरीबी में फंसता चला गया, तो ये एक चक्र हो गया। दूसरा चक्र हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति गरीब है, वो शिक्षा नहीं ले पाया, वो असाक्षर रह गया, तो वो जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है उससे गलत कागज पे साइन करवा दिए गए, तो उसका हम कह सकते हैं कि शोषण हो गया एक तरीके से। इसकी वजह से वो आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो गया। जब वो आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो गया तो उसके आसपास की सुविधाएं उसको अच्छी नहीं मिल पाई, उसको सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन की सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाई, उसकी वजह से उन पे वो
और खर्च करने लग गया तो वो और आर्थिक डेप्ट में चला गया, वो और गरीबी में चला गया और फाइनली वो और गरीब होता चला गया। तो हम कहते हैं इस तरीके से जो एक विशेष साइकिल है जिसमें गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है, जिसकी वजह से जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बढ़ती जाती है, हम बोलते हैं कि तराजू बैलेंस नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसको समझने का। तो यहाँ पर हमने अलग अलग ईयर्स में जो गरीबी का एस्टिमेट है वो समझने की कोशिश की है भारत के संदर्भ में। अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस देखें 2004 से लेके 2012 तक की, तो उड़ीसा और बिहार में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। उड़ीसा में 57% से लेके सिर्फ 32% रह गई थी। बीमारू स्टेट्स जो कि है वो वर्स्ट हिट माने गए हैं, जो सबसे 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर बिलो पावर्टी लाइन प्रपोर्शन सबसे ख़राब माना गया है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार माने गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंतर माना गया है। पंजाब हरियाणा में कृषि में की गतिविधियों में जो गरीबी देखी गई है उसमें कमी आकी गई है। केरला में आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनके आने से चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं। और आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाल रहा है। इसी तरीके से अगर विश्व भर के सिनेरियो को देखें तो 28% से हम बोलते हैं कि गरीबी घट के 21% रह गई है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट की वजह से सिनेरियो चेंज देखा गया है। सब सहारन अफ्रीका में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि 2015 तक 1990 से 2015 तक हमारी ऐसी इच्छा है कि हम $1 प्रतिदिन से कम का जो रेशो है उसको घटा दें, या जो पीपल उस पर निर्भर है $1 प्रतिदिन से कम पर उनको ऊपर उठा दें। तो ये एक आपका ग्राफ है जो आपको बताता है कि पुराने ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोगों का जो $1 प्रतिदिन से कम में रह रहे हैं वो सब सहारन अफ्रीका में है, उसके बाद दक्षिणी एशिया में, फिर चीन, पूर्वी एशिया और पैसिफिक में तो नगण्य माना गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में, अगर विश्व के मानचित्र पे देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों में मुख्य बल देने की ज़रूरत है। अगर हम बोलते हैं कि हम गरीबी हटाने की बात करते हैं तो गरीबी ऐसे तो नहीं हटेगी, उसके लिए निश्चित तौर पे हमें कुछ प्रयत्न करने होंगे। तो पहला प्रयत्न तो ये हुआ कि हमें आर्थिक वृद्धि करनी होगी। आर्थिक वृद्धि तभी हो सकती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, शिक्षा के ज़्यादा बेहतरीन अवसर ला सकें, कृषि के अच्छे रोज़गार के अवसर ला सकें, कई सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ला सकें जो कि टारगेट ग्रुप अप्रोच हों, मतलब उन ग्रुप्स को टारगेट करें जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। जैसा कि हमने बोला कि ST ग्रुप जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उस ग्रुप को टारगेट करके वहाँ पर एंटी पॉवर्टी मेजर्स को हम लाएं। इसी तरीके से मिनेग्रा स्कीम चालू की गई, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष जो है प्रतिदिन जो है प्रतिवर्ष में कम से कम आपको 100 दिन के रोज़गार के अवसर की बात करते हैं। इसी तरीके से फूड फॉर वर्क की बात की गई कि अगर आपने कार्य किया है तो उसके बदले में आपको वेस्ट की तरह खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूर्णतः 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जब हम रोज़गार के अवसरों की बात करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न करने की बात करते हैं, हम शहरी रोज़गार योजनाओं की बात करते हैं, बहुत सारे ग्रामोदान योजनाएं आई हैं। ग्रामोदय योजना के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं पर, शिक्षा की सुविधाओं पर और पानी की सुविधाओं को बढ़ाने की बात की गई है। अंत्योदय अंत योजना की हम बात करते हैं, पर फिर भी हमारे सामने अभी कई सारे चैलेंजेस हैं। वो हैं कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं बनाना ज़रूरी है, शिक्षा के बेहतरीन अवसर देने के लिए हमें कार्यरत होना होगा, नौकरियां आगे ढूंढने के लिए, नौकरियों को बढ़ाने के लिए हमें अवसर ढूंढने होंगे, कई सारे सिक्योरिटी के इश्यूज सामने आते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गरीबी देखी गई है तो ऐसा माना जाता है कि क्राइम रेट भी बढ़ जाती है। तो क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको भी हमें समझना होगा, और जेंडर इक्वालिटी को सामने लाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर व्यक्ति
की डिग्निटी को, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना होगा, तभी समाज एक व्यापक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम है। तो ये एक बहुत ही प्रारंभिक अध्याय था आपका कक्षा 9 का अर्थशास्त्र का, जिसमें हमने गरीबी के बारे में समझा। हम आगे के अध्यायों में और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।